कितना भी जहरीला सांप क्यों ना हो, बस 10 मिनट में सारा जहर उतार देगा यह पौधा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल हेल्थ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबाएं हेल्थ की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब भी आपको सांप काटता है तो ऐसा कहा जाता है कि उनके जहर को आपके दिल और मस्तिष्क तक पहुंचने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगता है और उसके बाद ही ये जहर आपके शरीर में धीरे धीरे फैलने लगता है। हिंदू धर्म में सांप को देवता का दर्जा दिया गया है और नागपंचमी को नाग पूजन का विशेष पर्व माना जाता है, परंतु यह भी पूर्णतः सत्य है कि सांप या नाग धरती का सबसे विषैले जंतुओं में से एक है, जिसके काटने पर पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होना भी संभव है। भारत में 540 ऐसे सांप होते हैं जिनके काटने से आदमी को कुछ नहीं होता, लेकिन सांप के काटने पर आदमी की मौत का डर सताने लगता है, जिसकी वजह कई बार ऐसे केस में आदमी की मौत हो जाती है। ककोड़ा का कण चीनी या शहद के साथ 1 से 5 ग्राम की मात्रा में औषधि की तरह उपयोग किया जाता है। ककोड़ा का कंद अधिक मात्रा में प्रयोग करने से उल्टी पैदा होती है। नर्म ककोड़े का साग अधिक स्वादिष्ट होता है, जिसे लोग अधिक पसंद करते हैं। गर्म मसालों या लहसुन के साथ ककोड़ा का साग बनाकर खाने से वात पैदा होती है।